दोस्तों, धनतेरस के दिन किन किन चीजों को खरीदना शुभ माना जाता है और किन चीजों को खरीदने से घर से लक्ष्मी चली जाती है, ये सभी बातें आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपको और किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल आध्यात्मिक मार्ग पर। दोस्तों, कार्तिक मास की कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस कहा जाता है। धनतेरस के दिन धन्वंतरी वैद्य समुद्र मंथन के समय अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन कुछ चीजों को खरीदने से धन संपदा में वृद्धि होती है। इस दिन खरीदारी के साथ शुभ कार्य भी किए जाते हैं। आइए अब जानते हैं धनतेरस के दिन किन चीजों को खरीदने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, धनतेरस के दिन कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र खरीदने से जीवन में सुख समृद्धि के साथ वैभव की प्राप्ति भी होती है। इन श्री यंत्र को घर, दुकान या तिजोरी में स्थापित करना चाहिए। दूसरा है भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति। दोस्तों, धनतेरस के दिन गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति की स्थापना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दिवाली से पहले धनतेरस के दिन घर में गणेश जी और माता लक्ष्मी की मूर्ति लाना अत्यंत फलदायी माना गया है। तीसरा है धनतेरस के दिन सोने और चांदी के आभूषण खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही इस दिन चांदी से बने बर्तनों को खरीदना भी शुभ बताया गया है। धनतेरस के दिन खरीदे जाने वाले गहनों, सिक्कों और बर्तनों की दिवाली वाले दिन गणेश लक्ष्मी पूजन के दौरान पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। दोस्तों, यदि धनतेरस के दिन सोने या चांदी से बनी वस्तुओं को खरीदना संभव न हो तो तांबे से बने बर्तनों को भी खरीदा जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे, धनतेरस के दिन खरीदे गए बर्तनों में मिष्ठान, बिस्किट, फल आदि डालकर ही घर लेके जाएं। इन बर्तनों को खाली घर में नहीं ले जाया जाता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार धनतेरस के दिन गहने और बर्तन खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा धनतेरस के दिन धनिये के बीज खरीदने से धन धान्य में वृद्धि होती है। इस धनिये के बीजों का प्रयोग गणेश लक्ष्मी पूजन में भी करना चाहिए। साथ ही धनिये के बीज को तिजोरी में रखना अति फलदायी माना जाता है। इसके अलावा धनतेरस के दिन नमक खरीदने से घर में सुख शांति आती है, क्योंकि यह भगवान धन्वंतरी का दिन है, इसलिए इस दिन औषधि खरीदना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके साथ ही धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने का भी विशेष महत्व है। झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए इस दिन झाड़ू खरीदने से घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश होता है। झाड़ू से ही हम घर की सफाई करते हैं, जिससे घर की नकारात्मक ऊर्जा व दरिद्रता घर से बाहर हो जाती है। आइए अब जानते हैं धनतेरस के दिन किन चीजों को खरीदने से सौभाग्य भी दुर्भाग्य में बदल जाता है, अर्थात किन चीजों को धनतेरस पर नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन लोहे से बनी चीजों को नहीं खरीदना चाहिए। लोहे को शनि देव का कारक माना जाता है और धनतेरस के दिन लोहे से बनी वस्तु खरीदने से घर में दुर्भाग्य आता है। बहुत से लोग धनतेरस के दिन नई गाड़ी या मोटरसाइकिल खरीदते हैं, लेकिन यदि आप धनतेरस के दिन वाहन खरीदना चाहते हैं तो इसकी कीमत का भुगतान पहले ही कर दें। धनतेरस के दिन लोहे की चीजों का भुगतान नहीं करना चाहिए। ऐसा करना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। इसके अलावा धनतेरस पर स्टील के बर्तनों को भी नहीं खरीदना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि लोग धनतेरस के दिन स्टील के बर्तन खरीदते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना वर्जित बताया गया है, क्योंकि स्टील भी लोहे का एक रूप होता है, इसलिए धनतेरस के दिन स्टील व लोहे को नहीं खरीदना चाहिए। इसके साथ ही इस दिन चीनी, मिट्टी व कांच से निर्मित किसी वस्तु को नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा करने से घर में बर्तनों की कमी हो जाती है। इसके अलावा हम सभी जानते हैं कि पूजा या किसी शुभ कार्य में काले रंग के वस्त्रों को नहीं पहनना चाहिए। इसी कारण धनतेरस के दिन काले रंग के कपड़े पहनना या खरीदना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसके अलावा हमारे देश में दिवाली के त्योहार पर अपने सगे संबंधियों को उपहार देने की परंपरा है और ज्यादातर लोग यह उपहार धनतेरस के दिन ही खरीदते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन उपहार का लेन देन करने से घर से लक्ष्मी चली जाती है। इसके साथ ही धनतेरस के दिन तेल, रिफाइंड ऑयल से बनी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। यदि आप तेल खरीदना चाहते हैं तो धनतेरस से पहले ही खरीद लें, क्योंकि धनतेरस के दिन यम का दीपक जलाया जाता है, इसलिए तेल खरीदना अशुभ माना जाता है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।